दोस्तों आज लॉन्च हो चुका है Honor का 7A और 7th स्मार्टफोन। तो ओपिनियन की वीडियो लाने से पहले सोचा एक कंपैरिजन वीडियो ले Honor 7A और Redmi Note 5 और एक और स्मार्टफोन जिस रेंज में आ रहा है वो अभी लॉन्च हुआ जिसका नाम है Realme 1। तो बहुत सारे लोगों की एक रिकमेंडेशन थी कि एक कंपैरिजन वीडियो चाहिए क्योंकि इस रेंज में स्मार्टफोन खरीदना बहुत ही कम वो कंफ्यूजन हो गया इसमें कि क्या कौन सा स्मार्टफोन खरीदे कौन सा नहीं। तो इसके लिए एक वीडियो आ रही है डिफरेंस वीडियो है Honor 7A और Realme 1 और Redmi Note 5 के बीच में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टेक्नोविची की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा फैक्टर होता है डिजाइन का। सबसे पहले आदमी सोचता है कि कैसा दिखेगा आपके हाथ में स्मार्टफोन, क्या अच्छा दिखेगा, क्या वो सूट करेगा या नहीं। तो पहले डिजाइन पे आते हैं और डिजाइन की बात करी जाए सबसे अभी अच्छा दिखने वाला स्मार्टफोन पहले था Redmi Note 5, लेकिन Realme आने के बाद में सबका सब पीछे हो गए हैं। अब Realme का जो नया लुक आया है सैफायर वाला, जो कटिंग वाला अलग, दो लाइट वाले लुक आया है जो पीछे आपको डिजाइन में दिखता है अलग अलग लाइट पड़ने पे, वो लुक कभी किस सबसे अच्छा दिखने में है। Honor का जो 7 है वो भी ठीक है लेकिन नॉर्मल लुक निकाला गया है। पहले लगा था कि Honor अपना नया वाला जो डाइन लाइट वाला लुक था ग्लास वाला वो लेके आएगा, लेकिन अब Realme डिजाइन के मामले में अब बाजी मार जाता है। तो डिजाइन के मामले में Realme को थम्स अप है। और दूसरा जो फैक्टर आता है वो है दोस्तों डिस्प्ले का। डिस्प्ले की बात करें दोस्तों Honor 7A में लगा है 5.7 इंच का फुल HD प्लस स्क्रीन, और जो Realme 1 है उसमें दी गई है 5.9 इंच की फुल HD स्क्रीन जो कि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली तीनों फोन में आती है फुल व्यू डिस्प्ले वाली। Redmi Note 5 में लगी है 5.9 इंच की डिस्प्ले और उसका जो रिजोल्यूशन है वो भी सबसे अच्छा दिया गया है स्मार्टफोन में। तो डिस्प्ले के मामले में जो आता है वो हाई है जाता है वो है Redmi Note 5 को और थम्स अप मिलता है। उसके बाद वाला फैक्टर जो है दोस्तों प्रोसेसर का, Honor 7A में लगा है दोस्तों Snapdragon का 430 SoC 1.8 GHz वाला, Realme 1 में लगा है Helio का P60 प्रोसेसर जो कि जो Oppo का F7 है 22,000 रुपए का उसमें लगाया गया है, और जो Redmi Note 5 में लगा है वो है Snapdragon का 635 Snapdragon प्रोसेसर। तो दोस्तों अब स्पीड के मामले में बात करें, प्रोसेसिंग के मामले में बात करें तो Realme 1 तो 50% के मार्क से आगे हो ही जा रहा है। तो प्रोसेसिंग के मामले में सबसे आगे हो रहा है Realme 1 और उसको टक्कर मिलता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्टोरेज के बीच में, Honor 7 आपको मिलता है 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज, Realme 1 है उसमें भी आपको मिलती है 3GB की रैम 32GB की स्टोरेज, और जो Redmi Note 5 है उसमें मिलती है आपको 3GB रैम 32GB की स्टोरेज। दोस्तों एक कंपैरिजन है वो 3GB के बीच में दिखा रहा हूँ, 7A का प्राइस जो है वो 3GB रैम के साथ ही आ रहा है जो वो वेरिएंट है, इसलिए आपको 3GB वाला ही बता रहा हूँ कि Realme और Note 5 के और भी वेरिएंट्स आते हैं। तो इस पर दोनों सब इक्वल इक्वल है प्राइस के मामले में, प्राइस आपको लास्ट में बताया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है कैमरे का। कैमरा दोस्तों जो रियल कैमरा दिया गया Honor 7 है वो डुअल कैमरा दिया गया, इस प्राइस सेगमेंट में सबसे पहला स्मार्टफोन है जो डुअल कैमरा लेंस के साथ आ रहा है, और इसमें दिया गया 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और साथ ही साथ में सपोर्टिंग के लिए आपको बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए दिया गया 2 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा वाला जो कि आपको फोकस करेगा, आपको पीछे का ब्लर जो दिखाएगा ऑब्जेक्ट फोकस करेगा उसके लिए 2 मेगापिक्सल आपको दिया गया है। और जो Realme का 1 है उसमें भी आपको दिया गया 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, सिंगल कैमरा AI पोर्ट्रेट मोड उसमें दिया गया है और Honor 7A पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। लेकिन जो Redmi Note 5 Pro आ रहा है उसमें दिया गया, लेकिन जो Redmi Note 5 है उसमें भी सिंगल कैमरा दिया गया जो कि 12 मेगापिक्सल की बहुत ही अच्छा कैमरा है, बस उसमें ये मिसिंग है कि पोर्ट्रेट मोड उसमें आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कैमरा का एज जो जा रहा है वो है 7A और Realme 1 को, तो इसमें Note 5 पीछे हो जा रहा है। और फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों Honor 7A में दिया गया 8 मेगापिक्सल का फुल HD कैमरा और सामने आपको फ्रंट फ्लैश भी मिलने वाला है। Realme की भी सेम है दोस्तों 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिल रहा है और सेल्फी लाइटिंग मिल रही है, और जो Redmi Note 5 है उसमें मिल रहा है आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और सेल्फी लाइटिंग के साथ में। दोस्तों इसमें भी जहां तक बोले तो Redmi Note 5 पीछे हो जा रहा है कैमरा के मामले में, MI पीछे हो ही जाता है कभी ना कभी, तो जो Realme 1 और Honor 7 है तो इसमें भी थम्स अप है। उसके बाद आ रही दोस्तों बैटरी की, तो बैटरी की बात करें तो Honor 7 में दिया गया 3000mAh का बैटरी, लेकिन उन्होंने स्मार्ट बैटरी मोड जो डाला है अपने नए EMA 8 में, तो उसके बाद बोल रहे हैं कि आपको दिन भर की 24 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। तो बस अभी पता नहीं चलेगा यूज करने के बाद ही पता चलेगा कैसी है उसकी बैटरी, लेकिन अभी ऑन पेपर तो इसमें कम है। जैसे कि Realme में दिया गया 3410mAh की बैटरी, और जो Xiaomi का Redmi Note 5 स्मार्टफोन है उसमें दिया गया आपको 4000mAh की बैटरी जो कि लगभग डेढ़ दिन तो चली जाती है एडजस्ट करने पे। और इसमें दोस्तों Redmi Note 5 इसमें पहले बार आगे हो चुका है, Redmi Note 5 बहुत ही ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ देता है, Xiaomi की पहले से आदत है, तो इसमें आपको थम्स अप मिलता है Redmi Note 5 को।
और इसमें आते हैं बाकी अदर फैसिलिटीज से, तो आपको ऑनर 7 मिल रहा है, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है, जो कि Realme 1 में सिर्फ फेस अनलॉक मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है बताया गया, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं है। और जो आपका Redmi Note 5 है उसमें फेस अनलॉक OTP के द्वारा आ चुका है, अभी पता नहीं कैसे परफॉर्म कर रहा है, अभी भी आया है, और साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो उसमें सिक्योरिटी के मामले में बताया जाए तो Realme 1 को उतना मैं एज नहीं दूंगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट सेंसर इंपॉर्टेंट है और जो फेस अनलॉक है वो तो सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम करता है, तो हो सकता है कि एक्यूरेट ना हो और आपको रात को जो बिल्कुल लाइटिंग नहीं होती, जब आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब आप Realme 1 में नहीं कर पाएंगे। तो 7 है, Honor 7 है और Redmi Note 5 को एज मिलती है, उसमें दोनों को थम्स अप मिलता है। सबसे आखिरी बात दोस्तों प्राइसिंग पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों प्राइसिंग जो आ रही है Honor के 7 है की, 3GB रैम 32GB वेरिएंट की, उसमें आपको प्राइसिंग आ रही है 8,990 रुपये, और जो Realme 1 की प्राइसिंग आ रही है 3GB रैम 32GB वेरिएंट की, उसमें आपको प्राइसिंग मिल रही है दोस्तों वो है कि 8,990 रुपये, और सेम प्राइसिंग जो की आ रही है 3GB रैम 32GB Note 5 की, उसकी प्राइसिंग दोस्तों 9,990 रुपये में। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि किसको मिलता है थम्स अप और क्या आपको लेना चाहिए इस वेरिएंट में। अगर आप दोस्तों हाईली रिकमेंडेड है डिजाइन के मामले में, तो दोस्तों आपको पक्का पक्का लेना चाहिए Realme का 1, और प्रोसेसिंग के मामले में अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो तो आपको पक्का पक्का से यही लेना चाहिए Realme 1, क्योंकि प्रोसेसिंग है Helio का P60 50% ज्यादा फास्ट है Redmi Note 5 के Snapdragon 635 से। तो दोस्तों आप प्रोसेसिंग और कैमरा की बात करें तो Realme 1 से अच्छा किसी का कैमरा नहीं है अभी तक में, क्योंकि AI शॉट आपको मिल रहा है इसमें, Realme 1 में भी ड्यूअल कैमरा की जरूरत नहीं है आपको। और अगर आप Realme 1 नहीं लेना चाहते, नया ब्रांड लग रहा है आपको Oppo का, तो आप ले सकते हैं Honor का 7 है। और अगर आप MI से हमारे हैं, अगर Xiaomi पसंद करते हैं आप और चाहते हैं आप Xiaomi की ड्यूरेबिलिटी आप जानते हैं अच्छी लगती है आपको, तो आप ले सकते हैं Redmi Note 5। लेकिन आपको कुल मिला के लेना चाहिए Realme का 1, आपको Honor 7 है, क्योंकि उसमें 430 प्रोसेसर लगाया गया Snapdragon पुराना वाला, जो कि 435 जबकि आपको Redmi 5 में मिल जाता है, 6000 का स्मार्टफोन आता है, तो आपको Redmi स्मार्टफोन पिक करना चाहिए अगर आपका रेंज 6000 रुपये है। और अगर आपका रेंज है 9,000 से 10,000 रुपये तक, तो आपको पक्का पक्का से Realme का 1 ही लेना चाहिए, और कुछ आप देखिए मत। तो फिलहाल के लिए दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं चाह रहा था कि आपको एक कंपैरिजन वीडियो दे दूं, तो आज ही आ गए आपके लिए वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।